चाहे आप खुदा को माने या नहीं, मगर इराक का जो संविधान है, जिसे मैं मानता हूँ, जिस पर सद्दाम हुसैन के दस्तखत हैं, या वो जिसे अमेरिका और उसके पिट्ठुओं ने गढ़ा है, दोनों संविधानों में इराक का धर्म इस्लाम है। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं कोई स्कूल का बच्चा नहीं हूं और आप मेरे मास्टर नहीं हैं कि मुझे वो कहने पर मजबूर करें जो आप सुनना चाहते हो। जो मैं कह रहा हूं वो आपको सुनना पड़ेगा। मैं कोई वकील नहीं हूं, आप जानते हो। मैं सही को सही कहने की जुर्रत रखता हूं, चाहे सियासत हो या मेरी निजी जिंदगी। यही कारण है कि चाहे यहूदी हो या अमरीकी पिट्ठू या उनके अफसर, सभी सद्दाम हुसैन से नफरत करते हैं क्योंकि वो सच नहीं सुन सकते। व्हाइट हाउस ने झूठ बोला, मेरे खिलाफ झूठा प्रचार किया। वो दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। उन्होंने झूठ बोला कि इराक के पास रासायनिक हथियार हैं और वो आतंकवाद से जुड़ा है। उसके बाद पूरा मुल्क खंगालने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने फिर हमी पर इल्जाम लगाया कि सद्दाम हुसैन झूठ बोल रहा है। ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उस आदमी का जो 35 साल तक तुम्हारे मुल्क का सदर था। इनके कहने का मतलब है इराक के लोगों ने एक झूठे को अपना रहनुमा माना। इराक के लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। इनकी फौज ने अमरीकी जमहूरियत को शर्मसार किया है। इन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े और मेरी घड़ी चुरा ली। वो घड़ी मुझे मेरी बेटी ने दी थी, जिसे इन लोगों ने कत्ल कर दिया। इन लोगों ने इंसानियत को शर्मिंदा किया है। इन लोगों ने सब लूट लिया इस मुल्क में जो मैंने 35 साल में बनाया था। इन लोगों ने हर उस चीज को लूटा जो मैंने पाया था। इनको लगता है कि ऐसा करके ये लोग सद्दाम हुसैन को खत्म कर देंगे, उसकी शख्सियत को खत्म कर देंगे। मैं दो खुद मुख्तियार मुल्कों के राष्ट्रपतियों की तुलना करने के लिए यह कह रहा हूं कि मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता जो बुश ने की। ये अमरीकी भूल रहे हैं कि सद्दाम हुसैन की पहचान उसके कपड़े नहीं है। ऐसी छोटी हरकतों से ये सद्दाम हुसैन को नहीं मिटा पाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। ये याद रखें कि ये तशद्दुद सद्दाम हुसैन को बड़ा बनाएंगे। वो मुझे इस तरह झुका नहीं सकते। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं, मगर हमारे खिलाफ झूठ बोलने वालों की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। चाहे यहां आकर इसराइल का पेरिस बैठ जाए, मैं उसे तब भी वही कहूंगा जो अब कह रहा हूं। मिस्र के लोग भी उसे यही कहते हैं कि लानत है तुम पर, लानत है तुम्हारे वजूद पर। एक बात और सुनो, चाहे बुश भी यहां आकर बैठ जाए, मैं उसे भी यही कहूंगा कि लानत है तुझ पर, लानत है तेरी कुर्सी पर, तेरे हंकार पर, तेरी ताकत पर जो कमजोरों पर जुल्म ढाती है, और लानत है तेरे बाप पर भी जिसने हमें बर्बाद किया।